हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत की स्थिति, लोकेशन क्या है इंडिया की? लोकेशन ऑफ इंडिया इन एशिया कॉन्टिनेंट। भारत की स्थिति क्या है? एशिया, सबसे पहले एशिया के बारे में पढ़ लेते हैं। एशिया एक्सटेंड्स फ्रॉम लैटिट्यूड 1 डिग्री 60 मिनट्स नॉर्थ टू 77 डिग्री 40 मिनट्स नॉर्थ। जो एशिया जो है, जो हमारा महाद्वीप है, वो 1 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ से लेकर 70 डिग्री 41 मिनट नॉर्थ के बीच में फैला हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ऑल द 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, जितने भी तीनों अक्षांश, मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, तीनों इसी महाद्वीप से क्रॉस होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वाइज एशिया का स्ट्रेच क्या है? 26 डिग्री 04 मिनट से लेकर के 169 डिग्री 40 मिनट ईस्ट तक एशिया जो है वो, एशिया महाद्वीप जो है वो फैला हुआ है। साउथ एशिया इज अ मेजर रीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। जो हमारा ये साउथ एशिया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है किसका? एशिया महाद्वीप का। इसका कारण क्या है? यहाँ बहुत ज्यादा घनी आबादी है, यहाँ बहुत ज्यादा खनिज पाए जाते हैं और यहाँ की जलवायु। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं और इसके बीच में सभी सात कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव्स आते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है जीके का कि सात कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो ये सभी कंट्रीज जो हैं, ये सभी आठ कंट्रीज जो हैं, वो सात कंट्रीज हैं। नाउ इंडिया की, भारत की स्थिति क्या है? इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत में, भारत के वर्ल्ड में जो है वो सातवां स्थान है। अब भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। इट लाइज बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। इन अक्षांशों के बीच में भारत जो है वो फैला हुआ है, जैसे कि आप मानचित्र में भी देख सकते हैं। इंडिया इज डिवाइडेड इंटू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ये भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। इट पासिस फ्रॉम मध्य प्रदेश इन जबलपुर। ये है हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में जबलपुर से ये रेखा क्रॉस करती है। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी इज द इंदिरा पॉइंट। अब ये इंदिरा पॉइंट जो है वो सदर्न मोस्ट टेरिटरी है भारत की, और वो कितने अक्षांश पर है? वो है 6 डिग्री 45 मिनट्स के ऊपर। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। निकोबार का जो एंड पॉइंट है यहाँ पर, वो है इंदिरा पॉइंट। 2004 में जब सुनामी आई थी, तब ये वाला पॉइंट जो था वो बह गया था। बट जो मेन लैंड का पॉइंट है, कन्याकुमारी इज ऑल्सो नोन एज केप कॉमरेन इज अ सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेन लैंड। ये वाला पॉइंट, इसे बोलते हैं कन्याकुमारी और इसे केप कॉमरेन भी बोलते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो है केप कॉमरेन। इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया जो है वो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, जैसे कि हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा है, जो दो भागों में बांटती है, वो है इक्वेटर। इक्वेटर पृथ्वी को दो भागों में, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में बांटती है, और बीच में जो लाइन ऑफ लैटिट्यूड है 0 डिग्री, वो इसको ईस्टर्न और वेस्टर्न पोर्शन में बांटती है। तो भारत जो है वो इस इलाके में, इस पोर्शन में आता है, जो कौन सा एरिया है, जो है नॉर्थ ईस्टर्न पॉइंट। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया एंड इट पासिस द मिडल ऑफ द इंडिया। ये वाली जो रेखा है 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, बीचों बीच में से ये गुजरती है, और ये अलाहाबाद, ये यूपी में, ये यूपी है, यूपी के अलाहाबाद में से ये क्रॉस होती है, जो भारत की, पूरे भारत का टाइम निर्धारित करती है ये रेखा। भारत को मुख्य कितने भूभौतिक भागों में बांटा गया है? मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। तो भारत के ये मुख्य भूभौतिक भाग हैं, सबसे पहले प्लेन्स, ये आगे हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये बिहार, यूपी, ये सब इसमें आते हैं। तो कितना प्रतिशत है? प्लेन्स 43%, देन प्लेट्यूज, प्लेट्यू इज 27.7%, देन हिल्स 18.6%, माउंटेनियस एरिया जो है, जो मुख्य माउंटेन्स हैं भारत के, वो यहाँ पर 10.7%, और डेजर्ट एरिया, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो है 13.52%। तो ये भारत के मुख्य भौभौतिक भाग हैं। इसके अलावा भारत के साइड में यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स भी हैं और वेस्टर्न घाट्स भी हैं। भारत का कुल एरिया कितना है? इंडिया स्ट्रेचेस
3,214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये आ गया नॉर्थ और ये आ गया साउथ। नॉर्थ टू साउथ जो है भारत 3,214 किलोमीटर तक फैला है और ईस्ट टू वेस्ट भारत जो है वो 2,933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लैंड फ्रंटियर जो है भारत की, लैंड फ्रंटियर इज 15,200 किलोमीटर। जो भारत की जो मुख्य सीमांत रेखा है, जैसे ये वाले जो सीमाएं हैं भारत की, तो कितनी है ये एरिया पूरा भारत का जो लैंड बाउंड्रीज के साथ जुड़ा हुआ है, वो है 15,200 किलोमीटर। और कोस्टल एरिया जो है भारत का, ये वाला और ये वाला सारा कोस्टल एरिया इंक्लूडिंग अंडमान एंड अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप, इन सबको मिलाकर के भारत जो है वो कितना एरिया है कोस्टल बाउंड्री का, वो है 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया कवर्स एन एरिया ऑफ 32,87,263 किलोमीटर। नाउ बाउंड्रीज, भारत की कौन कौन सी मुख्य बाउंड्रीज हैं, कौन कौन सी रेखाएं हैं। इन द सदर्न ऑफ द ईस्टर्न साइड द गल्फ ऑफ मन्नार, ये देखिए ये है गल्फ ऑफ मन्नार और यहां पर है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। टोटल लैंड नेबर्स जो है वो भारत के वो है टोटल सात, जैसे कि आपको पता ही है, ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, ये आ गया भूटान, ये आ गया बांग्लादेश और म्यांमार, ये मुख्य भारत की मुख्य नेबर्स कंट्रीज हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल, भारत की मुख्य जो आइलैंड है ये भारत की बाउंड्री में आते हैं, बे ऑफ बंगाल में है ये कौन से आइलैंड, ये है अंडमान और निकोबार आइलैंड। और इसके अलावा लक्षद्वीप आइलैंड्स के ग्रुप में है मिनिकॉय, एमनडीव्स, मालदीव्स इन द अरेबियन सी। ये वाले जो आइलैंड्स हैं ये कहाँ पर है, ये लक्षद्वीप के ही आइलैंड्स के ग्रुप हैं, ये छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, ये भारत के ये लक्षद्वीप आइलैंड्स के ग्रुप में और अरेबियन सी में ये आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।